मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर वीडियो। तो अभी सुबह करीबन 7:25 हो रहे, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं लियो को वॉक पे लेके गया था, फिर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस आज मैं काफी मॉर्निंग पे लेके गया था, बहुत जल्दी करीब 5 बजे मैं सुबह को लेके गया था लियो को। उस टाइम पे बहुत ज्यादा फोक था और थोड़ा सा अंधेरा था तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। अभी धूप आ चुकी है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। तो चलो गाइस, आज के वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और गाइस, आप लोगों को मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। मैं अपने वीडियो में लियो का अपडेट मैं देने वाला हूँ और डॉग्स रिलेटेड अपडेट भी देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और लियो का मैं अपडेट इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों के पास अगर फीमेल है या फिर आप फीमेल लेना चाह रहे हो तो आप लोगों को पहले नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो डॉग से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम करें, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को एक ऊपर वीडियो बनाऊं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे थे कि मुझे पप्पी चाहिए, महाराष्ट्र में डिलीवरी चाहिए। तो गाइस, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र संभाजी नगर में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के पप्पीज अवेलेबल है, ऑल ब्रीड के पप्पीज अवेलेबल है, मेटिंग के लिए भी अवेलेबल है। कोई इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करना है। और गाइस, जिस बंदे के पास ये सारे पप्पीज अवेलेबल है उनका नाम है बिलास मोटे, जो पूरे महाराष्ट्र में डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी अवेलेबल है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल का नाम लेते हो विमल स्वांसी ब्लॉग, इस चैनल का नाम लेते हो ना तो आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। कोई इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करना है। लियो का डायरी देने वाला हूँ और मैंने करीब 150 ग्राम फूट लिया है, दही लिया है और दही करीब 100 ग्राम से भी ज़्यादा है, करीब 200 ग्राम दही और उसके साथ थोड़ा सा चावल। इसको डायरी दे दिया, ये रही खाने लगी अब तो। A few moments later. Second time दे रहा हूँ डाइट लियो को और अभी बस दही चावल और फूड है। अभी शाम हो चुकी है, लियो को वॉक पे लेके जाने वाला हूँ। अब दिखाता हूँ कैसे लियो को मैं बोलूंगा ये कैसे रिएक्ट करती है। लियो चलो, रुको स्टे, रुको रुको यार, रुको रुको रुको, लिस्ट छूट गया, रुको 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 रुको, लिस्ट खुल गया, चलो यहाँ पर। तभी एक डॉग जा रहा है ना उसके ऊपर भौंक रही है लियो, स्ट्रीट वाला है उस साइड जा रहा हूँ अपना। देखो मतलब जहाँ इसको दिख गया ना ये भौंकना स्टार्ट, कोई सा भी हो, डॉग है या कोई बकरी है या कुछ भी चीज है। नहीं रुको, अगर मैं भगाऊंगा स्ट्रीट वाला डॉग को ना तो ये और जोर से भौंकने लगेगी। लियो भाग गया भाग गया भाग गया, चला चलो बैठ, लियो ले जाना घूमने, लियो चलो घूमने चलो, लियो अभी चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, भाग गया भाग गया भाग गया। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, चलो चलो जब भी वो रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि डॉग की वजह से ही है, उसका तरफ ध्यान चला गया ना, तो इधर डॉग आ गए थे ना उसकी वजह से ये मतलब अलग तरफ इसका ध्यान चला गया, नहीं तो फिर ये ओ देखो उधर फिर से डॉग है उसकी वजह से ये भौंक रहे थे, नहीं तो अलग ही रिएक्शन रहता है। मैं दिखाऊंगा कभी इस वीडियो में, हो सके तो मैं दिखाऊंगा नहीं तो दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा इसका रिएक्शन। रिएक्शन क्या मतलब, जैसे मैं इसको बोलूँ जाना है और ऐसे कुछ बोलूँ ना ऐसा लगता है कि ये बात करना चाहती हो। चलो 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 चल दे, चलो चलो जाने दो जाने दो जाने दो इसको जाने दो जाने दो जाने दो। वो देखो जा रहा है ना डॉग, उधर ध्यान गया, दो तीन आ गए थे अभी, ये दो दो डॉग हैं और एक तो ऐसा मतलब स्ट्रीट वाला डॉग है ना, तो लियो को पता नहीं वो इम्प्रेस करना चाहता हो कि क्या हो उसका ना, मतलब जब भी लियो को देख ले वो अलग अलग हरकतें करने लगता है। चलो रहने दो, चलो आ जाओ, नहीं आराम से चलो आ जाओ। काफी देर वॉक करवा दिया, आप लेके चलता हूँ घर पे,
तो जी आ चुका है घर पे, लेके आ चुका हूँ इसे। और अभी मैं थोड़ा ना मुझे काम है खेतों पे, मैं उधर जाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूंगा। और मैं आ चुका हूँ खेतों पे और दिखाता हूँ क्या काम कर रहे हैं। देख रहे हो ये जो पूरा फसल है ना धान के, ये रेडी हो चुके हैं, दिखाता हूँ मैं अच्छे से। ये देखो ये इस तरह से मुझे इकट्ठा करना है एक जगह पे, तो ये काम है। और इस जैसे बहुत से लोगों को मेरा लाइफस्टाइल नहीं पता, तो मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो इतना सा है, इतना सा मैं करता हूँ, उसके बाद फिर ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत मैं अपना लाइफस्टाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेरा लाइफस्टाइल है क्या भाई। तो ये भी है, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ कुछ। तो यार देखो जितना भी धान था ना उस तरह से मुझे इकट्ठा करना था, देख सकते हो, तो मैंने इकट्ठा कर दिया। मेरा काम खत्म हो चुका है, अब चलता हूँ घर।